गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इन प्रीवियस वीडियोस वी डू अवर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. पिछले वीडियोस में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि फूड यानी भोजन कहाँ से आता है ये हमने पढ़ा था, और साथ ही हमने टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े थे बेसिस ऑन देयर फूड हैबिट्स, यानी भोजन के आधार पर प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत. तो देखिए यहाँ एक्टिविटी दी गई, पहले हम उस एक्टिविटी को रीड करेंगे. देखिए क्या है, वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, फिश, नट्स, व्हीट, राइस, मिल्क, चीज, व्हीट, राइस, मिल्क, चीज एक्सेट्रा. डू यू नो फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन दीज फूड्स, प्रिपेयर टेबल एंड नेम देयर सोर्सेज. यहाँ बच्चों हम अलग अलग फूड्स खाते, जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल जो अभी मेंशन किए थे ये सब हम खाते हैं, लेकिन ये कहाँ से आता है, यानी कि हमें इनके सोर्सेज के नेम लिखने. तो फ्रूट्स, फ्रूट का सोर्स क्या होता है, फ्रूट का सोर्स होता है बच्चों प्लांट्स. तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे प्लांट्स. नेक्स्ट वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स का भी सोर्स क्या होता है, प्लांट्स. तो भी हम प्लांट्स राइट डाउन करेंगे. चिकन, चिकन का सोर्सेज होता है एनिमल्स, तो हम लिखेंगे एनिमल्स. नेक्स्ट है फिश, फिश का सोर्सेज क्या होता है बच्चों, एनिमल्स. सो वी राइट एनिमल्स. नट्स, नट्स के सोर्सेज क्या होते हैं, नट्स के सोर्सेज होते हैं प्लांट्स. नेक्स्ट मिल्क, मिल्क के सोर्सेज क्या होते हैं बच्चों, एनिमल्स. तो बच्चों ये थी हमारी टेबल. ये हमने किस बेसिस पे किया, ये हमने सोर्सेज के बेसिस पे हमारी टेबल को रेडी किया था. अब आगे देखिए, दस फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वी गेट दीज फूड्स प्राइमरली फ्रॉम टू सोर्सेज विच आर. अब इस टेबल को करने के बाद में हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि फूड जो है मुख्यतः दो प्रकार से या दो सोर्सेज से हमको स्रोतों से प्राप्त होता है, वो देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी हमें हमारा भोजन प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ही मिलता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें भोजन दो सोर्सेज से यानी टू सोर्सेज से हमें भोजन मिलता है. प्लांट्स फर्स्ट हो गया, सीपी एनिमल, गोट, बफेलो, काउ, हैन, ये सब क्या है, ये टू टाइप्स है किसके, सोर्सेज के. यानी फूड हमें टू सोर्सेज से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स. आगे देखिए, फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि ऐसा भोजन जो हमें किन से मिलता है, प्लांट्स से. तो आज हम पहले पढ़ेंगे फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स यानी पौधों से मिलने वाला भोजन. एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वी ऑब्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स. जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि हमें भोजन अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त, नहीं प्लांट्स के अलग अलग टाइप से हमें भोजन प्राप्त होता है. प्लांट्स पार्ट विच आर यूज एज फूड मटेरियल आर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. और प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जिनको हम एज ए फूड खाते हैं, तो देखिए वो क्या है, रूट्स. रूट्स को हम एज ए फूड खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, लीव्स एंड फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट दीज फूड इन डिटेल. अब हम इन फूड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो देखिए फर्स्ट हमारा रूट एज ए फूड, यानी कि हम कौन सी रूट्स को एज ए रूट, एज ए फूड लेते हैं. तो देखिए बच्चों, सम रूट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज फूड, यानी कि कुछ प्लांट्स की रूट्स, रूट्स में जड़ें ऐसी होती है जो हमें भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं. दीज प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, और ये प्लांट्स अपना जो फूड होता है या अपना फूड मटेरियल होता है वो रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं. सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लार्ज रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन बड़ी बड़ी रूट्स के अंदर स्टोर करते हैं. दीज आर नोन एज फ्लेशी रूट, और ऐसी रूट को फ्लेशी रूट्स यानी मांसल गुदेदार रूट्स कहा जाता है. वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, रेडिश, बीट, टर्निप एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल वेयर रूट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज एज ए फूड. अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जैसे वेजिटेबल, कैरोट, रेडिश, ये क्या किसके एग्जाम्पल है, ये रूट्स, ऐसे रूट्स के एग्जाम्पल है जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं. देखिए टर्निप, शुगर, शुगर बीट, बीट रूट. आगे देखिए स्टेम ऑफ प्लांट्स एज फूड. अब हमने पढ़ा कि रूट को हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, अब हम पढ़ेंगे स्टेम्स को हम एज ए फूड कैसे कंज्यूम करते हैं. तो देखिए सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम विच वी कंज्यूम एज फूड, कुछ
प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड अपनी स्टेम्स के अंदर स्टोर करते हैं और हम उन स्टेम्स को एज ए फूड कंज्यूम खाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स देख। तो देखिए बच्चों, ऐसे स्टेम जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, इनमें फर्स्ट है पटेटो। द एडिबल पोर्शन इज एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज आल्सो ट्यूबर। पटेटो का ऐसा खाने योग्य, एडिबल पोर्शन का मीन होता है खाने योग्य भाग, जो क्या होता है उसका भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड नीचे जमीन का जो स्टेम जो होता है उसको हम एज ए फूड खाते हैं। ट्यूबर का मीन होता है बच्चों कंद। आगे देखिए, द आईज ऑफ द पटेटो आर लेटरल बर्ड्स। पटेटोज कम इन वाइट, येलो, ऑरेंज और पर्पल कलर्ड वेराइटीज। अब पटेटो की जो आईज होती है वो लेटरल बर्ड होती है, इसका मीन होता है कि पटेटो की आईज से हम नए पटेटो का फॉर्मेशन, नए पटेटो उगा सकते हैं, यानी नए पटेटो अगर हमें उगाने हैं तो हम उन आइस को ही जमीन में दबा के अंडरग्राउंड स्टेम बना के उनको एज ए फूड कंज्यूम कर सकते हैं। पटेटो अलग अलग कलर्स में आते हैं, जैसे वाइट होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज और पर्पल कलर्स में होते हैं। यहाँ देखिए शुगर कैन, शुगर कैन मीन्स गन्ना। द एडिबल पोर्शन इज द इनर स्टॉक हुज यूज इज ए सोर्स ऑफ शुगर। शुगर कैन का खाने योग्य भाग कौन सा, उसकी तना होता है। और शुगर जो होता है उसका एक बड़ा सोर्स क्या है, शुगर केन। यानी हमें अगर शुगर, जो शुगर हम कंज्यूम करते हैं उसका एक बड़ा सोर्स क्या है, शुगर केन। इन इट्स रॉ फॉर्म च्यूइंग और एक्सट्रैक्शन थ्रू ए जूसर एक्सट्रैक्ट इट जूस। और इसकी जो कच्ची अवस्था होती है, रॉ कच्चा फॉर्म होता है, रॉ फॉर्म होती है, उसको चबा के या जूसर के द्वारा उसका जूस निकाला जाता है। आगे देखिए एस्परगस, एस्परगस को हिंदी में शतावरी कहा जाता है। द एडिबल पोर्शन इज द रैपिडली एमरजिंग स्टेम दैट अराइजेस फ्रॉम द क्राउन इन द सोइल। एस्परगस, इसको हिंदी में शतावरी कहा जाता है और इसका जो खाने वाला भाग होता है, इसकी स्टेम होता है जो तेजी से बढ़ता है, यानी इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेजी से होती है। और इसका जो सोइल में इसका जो क्राउन मुकुट वाला भाग होता है, जैसे ये दिख रहा है, ये सोइल के अंदर पाया जाता है और ये अपनी ग्रोथ काफ़ी तेजी से करता है। आगे देखिए, लीव्स ऑफ प्लांट एज फूड। पेड़ों की पत्तियों को जब हम एज ए फूड कैसे कंज्यूम करते हैं वो देखिए, यानी पेड़ों की पत्तियाँ जो हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। देखिए, लीफी वेजिटेबल्स विच वी कंज्यूम आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। लीफी वेजिटेबल जो हम खाते हैं वो क्या होती है, किसी भी प्लांट की लीफ होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर स्पिनच, मस्टर्ड, कैबेज, लेटस। उसमें से कुछ एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल, ऐसे लीव्स के जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे स्पिनच है, पालक है, इसको हम, इसके लीव्स हम फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। मस्टर्ड है, सरसों है, सरसों को हम एज ए लीफ यूज करते हैं। कैबेज है, लेटस, ये सब क्या है बच्चों, ये सब लीफ है जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। आगे देखिए, फ्लावर्स ऑफ प्लांट वीट, प्लांट्स के ऐसे पार्ट यानी प्लांट्स के फ्लावर्स जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, द फ्लावर्स ऑफ प्लांट कैन आल्सो बी यूज एज फूड। अब हमने क्या पढ़ा था, स्टेम्स को, रूट्स को और लीव्स को हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं और फ्लावर्स को भी हम एज ए कंज्यूम करते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर फ्लावर्स ऑफ बनाना, फ्लावर्स ऑफ पम्पकिन, सनफ्लावर, डेंडेलियन। बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, जिनको हम फ्लावर, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं जिनको हम फूड के रूप में खाते हैं। वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस वेरियस न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स हमें खूब सारे न्यूट्रिशन, पोषक तत्व प्रदान करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स और मिनरल्स। दीज न्यूट्रिएंट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। और इन न्यूट्रिशंस का एक अहम रोल होता है, अहम किरदार होता है हमारी शरीर की डेवलप, विकास को, विकास करने में एक अहम रोल होता है। We should eat lots of vegetable to keep ourselves fit and healthy। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खानी चाहिए ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रख सकें। अब देखिए, fruits as food, और हमने अभी vegetables as a food पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे fruits as a food, यानी fruits को भी हम as a food कैसे consume करते हैं। Apart from vegetables, fruits are another food
प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स। अब वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट्स भी प्लांट्स के द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं और जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। दे कंटेन वेरियस न्यूट्रिशंस एंड आर वेरी हेल्दी फॉर ह्यूमन बींग्स। और फ्रूट्स जैसे वेजिटेबल्स ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक वैसे ही फ्रूट्स भी ह्यूमन्स के लिए या ह्यूमन्स के हेल्थी रहने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी फ्रूट्स में भी काफ़ी अधिक मात्रा में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन एक्सेट्रा। और उसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, एप्पल है, गवावा है, ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, बनाना है, वाटरमेलन एक्सेट्रा। ड्राई फ्रूट्स आर दी फ्रूट्स दैट आर फाउंड इन ड्राइड फॉर्म। ड्राई फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि सूखी अवस्था में पाए जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स आर कैश्यूनट्स, आलमंड, चेस्टनट, फिग, रेजिन्स एंड वॉलनट। और इनमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे कैश्यूनट है, आलमंड, बादाम है, ये रेजिन, रेजिन का मीन होता है बच्चों किशमिश, ये सब एग्जाम्पल है किसके, ड्राई फ्रूट्स की। तो आज हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के ऐसे पार्ट जिनको हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, बाकी का हम बच्चों कल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम करेंगे सेरल्स और साथ ही करेंगे असाइनमेंट विच फ्रूट कंटेंस विटामिन ए, यानी कौन से फ्रूट में विटामिन ए पाया जाता है। सेकंड हम करेंगे व्हाई आवर पेरेंट्स से दैट यू शुड ईट आलमंड, क्यों हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमें बादाम खानी चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे सेरल्स एंड पल्सेज। सो मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको आज एज ए होमवर्क इस चैप्टर को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। सो हैव अ नाइस डे।